वेलकम फ्रेंड्स, इंटरनेशनल ब्रिटिश इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के स्टेज 19 में आप सभी का स्वागत है। जिन स्टूडेंट्स ने या जिन लर्नर्स ने 1 से 18 स्टेज नहीं देखी हैं, वो इस चैनल पे पहले से अपलोडेड हैं, उन्हें देख लें तो उसके बाद आपको स्टेज 19 सीखने में और भी अच्छा लगेगा। और अगर आप स्टेज 19 डायरेक्ट भी सीखते हैं तो आपको इसके अंदर बहुत से ऐसे सेंटेंसेस मिलेंगे जिसको आपको सीखने में बहुत ही इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ खास सेंटेंसेस हैं। तो ये मतलब कह सकते हैं कि इन सारी जो स्टेजेस सीख रहे हैं उसमें सबसे बहुत ही अच्छी लगने वाली इंटरेस्टिंग जो स्टेज है वो ये है। लेकिन हमको सारी आनी चाहिए लमसम, पर ये सीखने पर आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस फील होगा, क्योंकि इसमें एंगर, गुस्सा, अपोलोजाइज, माफ़ी मांगना, क्वेरल, झगड़ा, कंसोलेशन, किसी को सांत्वना प्रदान करना, या किसी को शुभकामना मतलब विश करना, या किसी को मना करना कोई काम करने से, इससे रिलेटेड सारे सेंटेंसेस इसके अंदर दे रखे हैं। तो फ्रेंड्स, इसको हम सीखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो सेंटेंसेस सीखेंगे वो सेंटेंसेस जो हैं वो हैं एंगर, गुस्सा। गुस्से से संबंधित सेंटेंसेस हैं वो यहाँ पर दे रखे हैं और बहुत ही अच्छे सेंटेंसेस हैं, तो चलो सीखते हैं। स्टॉप टॉकिंग नॉनसेंस, अर्थ होता है बकबक मत करो या बकवास मत करो। अगर आप किसी को कहना चाहते हो होशियार मत बन, तो उसके लिए सेंटेंस होगा डोंट ट्राई टू बी स्मार्ट। ही इज अ कनिंग फेलो, वो बहुत चालू आदमी है, बहुत चलता पुरजा है, उससे सावधान रहना, ऐसा बोलते हैं। तो ही इज अ कनिंग फेलो आएगा उसके लिए। हु इज टू ब्लेम, गलती किसकी है। इट्स ऑल ही इज डूइंग, यह सब उसकी करतूत है। You are very hot tempered, तुम बड़े गुस्सेल हो, तुम्हें बहुत गुस्सा आता है। Don't try my patience, मेरे धैर्य की परीक्षा मत ले, मेरा दिमाग खराब करने की कोशिश मत कर, ये मतलब है इसका। What a shame, कितने शर्म की बात है। Shame on you, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। Who tolerates such an insult, ऐसी बेइज्जती कौन बर्दाश्त करे। He is very slippery character, वह बड़ा चालू है, उसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है। How dare you to talk me like this? इस तरीके से बात करने की कोशिश कैसे की तुमने मेरे साथ। How dare you to talk me like this? या How dare you to talk me like that? दोनों में से कोई भी सेंटेंस बोल। मुझसे ऐसे बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो ये बोलना हो तो आप How dare you to talk me like that? ये बोलेंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार मैं बिना ट्रांसलेशन के सीधा बोल देता हूँ। स्टॉप टॉकिंग नॉनसेंस, डोंट ट्राई टू बी स्मार्ट, ही इज अ कनिंग फेलो, हु इज टू ब्लेम, इट्स ऑल ही इज डूइंग, यू आर वेरी हॉट टेम्पर्ड, डोंट ट्राई माई पेशेंस, व्हाट अ शेम, शेम ऑन यू, हु टॉलरेट सच एन इंसल्ट, ही इज वेरी स्लीपी कैरेक्टर, हाउ डेयर यू टू टॉक मी लाइक दैट, तुम्हारी ऐसी बात करने की हिम्मत कैसे हुई। तो ये थे गुस्से के सेंटेंस, एंगर को शो करने के लिए ऐसे सेंटेंस काम में लिए जाते हैं। अब हम बात करते हैं अपोलोजाइज, अर्थात माफ़ी मांगने से संबंधित सेंटेंस जो कि ये दे रखे हैं, तो हम उनके ऊपर ही फोकस करेंगे। अपोलोजाइज, माफ़ी मांगना। आर यू एंग्री विथ मी, क्या तुम मुझसे नाराज हो। आई सेड इट इन जोक, अरे मैंने तो ये मजाक में कहा था। आई एम सॉरी टू हैव ट्रबल्ड यू, तकलीफ के लिए माफ़ी चाहता हूँ। आई अपोलोजाइज, मैं माफ़ी चाहता हूँ। आई एम सो सॉरी, मुझे बड़ा ही अफसोस है। आई बेग योर पार्डन, मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। तो माफ़ी मांगने के लिए इतने सारे तरीके हो सकते हैं, आपको जो भी पसंद हो वो काम में लें। वंस अगेन आई स्पीक द होल सेंटेंसेस फॉर यू। आर यू एंग्री विथ मी, क्या आप मुझसे नाराज हैं, ठीक है। आई सेड इट इन जोक। I am sorry to have troubled you. I apologize. I am so sorry. I beg your pardon. तो ये sentences friends हो गए माफ़ी मांगने से संबंधित। अगला हमारा इसमें पॉइंट आता है क्वेरल, झगड़ा। अगर अपन किसी से झगड़ा करते हैं तो किस किस तरह के सेंटेंस बोलने पड़ते हैं हमको, वो ध्यान रखना है। We have been pestered by him. उसने तो हमारी नाक में दम कर रखा है। We have been pestered by him. उसने तो हमारी नाक में दम कर रखा है। What did they quarrel over? अरे भाई किस बात पर वह झगड़ पड़े, झगड़ किस बात से पड़े। तो What did they quarrel over? वो किस बात पर quarrel
या किस बात पे वो लड़ पड़े, किस बात के झगड़ा कर पड़े वो लोग। और भी हैं, गो टू हेल, भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ, गो टू हेल, आई एम फ्लैग्ड, मेरे तो नाक में दम कर दिया है। आई एम फ्लैग्ड मतलब मेरे तो नाक में दम कर दिया है। वाई आर यू लूजिंग योर टेम्पर, अरे तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो। वाई आर यू लूजिंग योर टेम्पर, तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो। वाई आर यू गेटिंग एंग्री अननेसेसरीली, अरे अनावश्यक रूप से गुस्सा क्यों कर रहे हो, या बेकार में गुस्सा क्यों कर रहे हो, ऐसा किसी को बोलते हैं तो सेंटेंस यह होगा, वाई आर यू गेटिंग एंग्री अननेसेसरीली। डोंट बी एक्साइटेड, ज़्यादा भड़को मत, ज़्यादा आवेश में मत आओ, उत्तेजित मत हो जाओ। तो ये सेंटेंस जो है वो गुस्से को शो करने के लिए या गुस्से से संबंधित वाक्य हैं। अब अगला जो वाक्य हमारा आता है वो है कंसोलेशन। कंसोलेशन जो है उसमें हम किसी को सांत्वना प्रदान करते हैं, जैसे कोई मर गया हो, कुछ ऐसा हो गया हो, तो कंसोलेशन वाले सेंटेंस इसमें आएंगे। ऑन हियरिंग दिस न्यूज वी फेल्ट मच, ऑन हियरिंग दिस न्यूज वी फेल्ट मच, यह खबर सुनकर हमें बहुत दुख हुआ। व्हाट ग्रीफ डू यू हैव, तुम्हें किस बात का दुख है। व्हाट ग्रीफ डू यू हैव, तुम्हें किस बात का दुख है। शी वॉज शॉक्ड, उसे सदमा लगा था। शी वॉज शॉक्ड, इसका अर्थ होता है उसे सदमा लगा था। हु कैन स्टैंड अगेंस्ट फेट, किस्मत से कौन लड़ सकता है। हु कैन स्टैंड अगेंस्ट फेट, किस्मत से कौन लड़ सकता है। गिव रवीज ग्रैंड फादर हैज पास्ड अवे, रवि के ग्रैंड फादर हैं या रवि के दादाजी हैं वो गुजर गए, ऐसा बताना है क्योंकि मृत्यु हो गई है, तो बोलेंगे रवीज ग्रैंड फादर हैज पास्ड अवे। अब ग्रैंड फादर की जगह ग्रैंड मदर लगाना हो तो वर्ड लगा दो यहाँ पे, या जो भी नाम लगाना हो लगा दो। रवीज ग्रैंड फादर हैज पास्ड अवे, रवि के ग्रैंड फादर गुजर गए हैं। तो ये दुख से संबंधित सारे सेंटेंसेस हैं, और भी हैं आगे। इट्स गॉड्स विल, इट वॉज गॉड्स विल, ये भगवान की यही मर्जी थी। अभी कभी कोई मर जाता है तो ऐसा बोलना पड़ता है कि भगवान की यही मर्जी थी, तो इट वॉज गॉड्स विल, ये ईश्वर की मर्जी थी। डोंट वीप बिटरली, फूट फूट कर मत रो, किसी को बोलना है कि फूट फूट के मत रो, तो क्या बोलेंगे, डोंट वीप बिटरली। तो ये सब सेंटेंस हो गए हमारे किससे रिलेटेड, कंसोलेशन अर्थात सांत्वना से संबंधित। एक बार फिर से मैं सेंटेंस आपके लिए बोल देता हूँ, ऑन हियरिंग दिस न्यूज वी फेल्ट मच, ध्यान दीजिए आपको बोलना भी है मेरे साथ में। व्हाट ग्रीफ डू यू हैव, शी वॉज शॉक्ड, हु कैन स्टैंड अगेंस्ट फैट, रविज ग्रैंड फादर हैज पास्ड अवे, इट वॉज गॉड्स विल, डोंट वीप बिटरली। नेक्स्ट है गुड विशेष, शुभकामनाएं। अगर हम किसी को शुभकामनाएं देते हैं तो क्या सेंटेंस बोलेंगे, क्योंकि ये बहुत काम आती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कहीं ना कहीं बार हमको कुछ ना कुछ गुड विशेष लोगों को करनी पड़ती हैं जो कि हमारे खास होते हैं, तो उसमें कैसे हम बोलेंगे। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, किसी की बर्थडे वगैरह हो तो हम बोल सकते हैं कि अच्छा दिन हो, तो हम चाहते हैं ये दिन बार बार आए, तो उसको बोल सकते हैं मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, विद द बेस्ट विशेष, शुभकामनाओं के साथ। कुछ भी चीज़ हम देते हैं तो शुभकामनाओं के साथ, ऐसा बोल सकते हैं। गॉड फॉरबिड इट, गॉड फॉरबिड इट, भगवान ऐसा न करे कि, या भगवान न करे कि ऐसा हो। मे यू फ्लरिश, तुम फलो फूलो, तुम बहुत ही आगे बढ़ो। मे यू लिव लॉन्ग, तुम लंबे समय तक जियो। हालांकि इस तरह के सेंटेंस के पीछे एक्सक्लेमेशन का साइन भी आता है, बट अभी हम स्पीकिंग सीख रहे हैं इसलिए कोई दिक्कत नहीं, पीछे एक्सक्लेमेशन का या विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाना पड़ता है मैं से चालू होने वाला वाक्य में। मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी उम्र लंबी हो, आयुष्मान भव, ये मतलब होता है इसका, लंबी उम्र हो आपकी। गिव हर माई गुड विशेष, उसे मेरी शुभकामनाएं देना। हम किसी के साथ शुभकामनाएं भेज रहे हैं तो हम ऐसा बोल सकते हैं गिव हर माई शुभ विशेष, या गिव हर माई गुड विशेष, उसे मेरी शुभकामनाएं देना। ही एक्नोलेजेज योर ऑब्लिगेशन, वो तुम्हारा एहसान मानता है। ही एक्नोलेजेज योर ऑब्लिगेशन, या कभी दिवाली पे किसी को शुभकामना दे रहे थे हैप्पी दिवाली, या क्रिसमस पे तो हैप्पी क्रिसमस, पीछे त्यौहार का नाम जोड़ दो तो बन जाएगी उसकी गुड विश, कि हैप्पी दिवाली, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी ईद, हैप्पी जो अदर किसी भी रिलीजन के कोई फेस्टिवल हो
तो उसके आगे हैप्पी लगा दो और फेस्टिवल का नाम बोल दो तो उसमें गुड विश हो जाएगी उस तरह की। आगे भी और सेंटेंसेस हैं, कोई जर्नी पे जा रहा हो, यात्रा पे जा रहा हो, उसको बोल सकते हैं हैव अ गुड जर्नी, आपकी यात्रा बढ़िया हो। हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर सक्सेस, आपको सफलता पर बहुत बहुत बधाइयाँ, हार्दिक बधाइयाँ, तो दिल से आपको बधाई सफल होने पर। तो उसके लिए हम लिखेंगे हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर सक्सेस, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम पर कृपा करें। तो ये सेंटेंसेस हो गए गुड विशेष से रिलेटेड। फिर से एक बार बोल देता हूँ, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे विद द बेस्ट विशेज, गॉड फॉरबिड इट, मे यू फरिश, मे यू लिव लॉन्ग, गिव हर माई गुड विशेज, ही एक्नोलेजेज योर ऑब्लिगेशन, हैप्पी दिवाली, हैव अ गुड जर्नी, हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर सक्सेस, मे गॉड ब्लेस यू। तो ये हो गए सेंटेंसेस। अब बात करते हैं हम प्रोहिबिशन की, अर्थात मनाही की। कोई काम किसी को बोलना है कि ये नहीं करना है आपको, तो उसको प्रोहिबिशन या मनाही कहते हैं। तो थूकना मना है तो उसके लिए आएगा नो स्पिटिंग, धूम्रपान मना है नो स्मोकिंग, शांत रहें रिमेन काम या कीप साइलेंस। नो इनफ्लेमेबल, जलने वाली वस्तु लाना मना है। नो लिटरिंग, कचरा न डालें। नो पेट्स, पशु लाना मना है। लिव केयरफुली मतलब गाड़ी से ध्यान से उतरें, या बोर्ड केयरफुली, गाड़ी पर ध्यान से चढ़ें। ये सब रेलवे स्टेशन के आसपास लिखे हुए रहते हैं। नो पार्किंग हियर, यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी न करें। स्टिक नो बिल्स, विज्ञापन लगाना मना है। पार्क में जाते हैं वहाँ पे लिखा हुआ रहता है कीप ऑफ द ग्रास, घास पर नहीं चलें। नो एंट्री, प्रवेश निषेध है या एंट्री करना मना है। ड्राइव स्लोली, स्कूल अहेड, धीरे धीरे गाड़ी चलाएं, आगे स्कूल है, आगे विद्यालय है। ड्राइव स्लोली, डेंजरस टर्न अहेड, धीरे धीरे चलाएं, आगे खतरनाक मोड़ है। नो थ्रो फेयर, आम रास्ता नहीं। स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, सख्त मना है। तो ये सेंटेंस जो है ये हो गए अपने लिए किस तरह के जो प्रोहिबिशन शो करते हैं, किसी काम को करने की जो मनाही शो करने के लिए जो सेंटेंसेस काम में आते हैं, उन सेंटेंसेस का कलेक्शन है ये वाला। और देखते हैं आगे आगे के सेंटेंस हैं। प्रोहिबिशन को एक बार मैं फिर से बोल के बता देता हूँ आपको, ताकि आपको याद करने में सुविधा रहे, साथ साथ मुझे मेरे साथ साथ आपको बोलना भी है। नो स्पिटिंग, नो स्मोकिंग, रिमेन काम, नो इनफ्लेमेबल, नो लिटरिंग, नो पेट्स, लिव और बोर्ड केयरफुली, नो पार्किंग हियर, स्टिक नो बिन, कीप ऑफ द ग्रास। कीप ऑफ द ग्रास, नो एंट्री, ड्राइव स्लोली, स्कूल अहेड, ड्राइव स्लोली, डेंजरस टर्न अहेड, नो थ्रो फेयर, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। तो ये सेंटेंसेस हो गए, साथ में कुछ क्वेश्चंस भी दे रखे हैं। ये क्वेश्चंस भी हमको, आप इसको अगर लेसन को ध्यान से पढ़ेंगे तो इसका आंसर आपको अंदर से ही मिल जाएगा। अब देखते हैं मिससेलेनियस सेंटेंसेस, विविध नमूने के वाक्य। दैट्स राइट, वह सही है। हाउ डिस्गस्टिंग, कितनी घिनौनी। बी स्टिल, हिलो मत। फॉलो माई इंस्ट्रक्शन, मेरे कहे पर चलो। डोंट क्राई, रो मत। गिव मी अ कॉल, गिव हिम अ कॉल, उसे फोन करो। डोंट बोदर, चिंता मत करो। टेक अ लुक, एक नज़र देखो। डोंट टॉक बिग, बड़ी बड़ी बातें मत करो। वाट अबाउट योर वर्क, आपका काम कैसा चल रहा है। फॉलो हिम, उसका पीछा करो। फॉलो हर, उसका पीछा करो। वाट अ रश, क्या भीड़ है। बर्न द मिड नाइट ऑयल, देर रात तक पढ़ो। गॉड सेव्स यू, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। एक बार फिर से मैं आपके लिए अंग्रेजी में बोल देता हूँ, ताकि इसके साथ आप प्रैक्टिस कर पाएं विदाउट मीनिंग। दैट्स राइट, हाउ डिसगस्टिंग। बी स्टिल,
Follow my instruction. Don't cry. Give him a call. Don't bother. Take a look. Don't talk big. What about your work? Follow him. Yeah, follow her. What a rush. Burn the midnight oil. God saves you. फ्रेंड्स, कुछ यहाँ पर ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें कुछ डिफरेंस वाले दे रखे हैं, वो आपको पता रहना चाहिए। कंपेरेटिव डिग्री है, वो आप इसको एक बार समझ लें यू मस्ट बॉक्स में, कि डिग्री तीन तरह की होती है, पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव। जैसे टाल, टालर, कालेस्ट, ईआर और ईएसटी जुड़ जाता है अगर कंपेरेटिव लिखते हैं, सुपरलेटिव में ईएसटी जुड़ जाता है। शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, गुड है उसमें ऐसा नहीं होगा, उसमें तीनों अलग अलग होंगे, गुड, बेटर, बेस्ट। बैड में भी बैड, वर्स और वर्स्ट हो जाएगा। इंटेलिजेंट का इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट और मोस्ट इंटेलिजेंट हो जाएगा। यूज कैसे होता है उसका, वो हम नीचे देखते हैं। जॉन इज अ टॉल बॉय, जॉन एक लंबा लड़का है। जॉन इज एज टॉल एज टॉम, जॉन है वो टॉम की तरह लंबा है। जॉन इज टॉलर देन टॉम, जॉन है वो टॉम से लंबा है। जॉन इज टॉलर ऑफ द टू बॉयज, जॉन दो लड़कों से लंबा है। जॉन इज द टॉलेस्ट ऑफ आवर क्लास, जॉन हमारी क्लास में सबसे लंबा है। तो एक आदमी के बारे में बात करते हैं तो हमको सुपरलेटिव डिग्री की जरूरत कम पड़ती है, कोई भी डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती है, पॉजिटिव डिग्री काम में आ जाएगी। एज एज के बीच में भी पॉजिटिव डिग्री आएगी, लेकिन देन लगता है या दो की तुलना होती है तो ईआर लगता है, मतलब कंपेरेटिव डिग्री आती है। और जब हम बात करते हैं दो से ज़्यादा की तो ईएसटी वाली अर्थात सुपरलेटिव डिग्री आती है, जो कि लास्ट सेंटेंस में लिखी है, जॉन इज द टॉलेस्ट बॉय ऑफ अवर क्लास, जॉन हमारी कक्षा का सबसे लंबा लड़का है। और दो जनों की तुलना करते हैं तो ईआर वाली डिग्री, जैसे कि ये सेकंड लास्ट सेंटेंस है, जॉन इज टॉलर ऑफ द टू बॉयज, दो लड़कों में से जॉन है वो लंबा लड़का है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा स्टेज 19, जिसमें हमने बहुत ही अच्छे ब्यूटीफुल सेंटेंसेस सीखे हैं। इसको बार बार पढ़ें, प्रैक्टिस करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर ऐप से पढ़ रहे हैं तो ऐप को भी शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।